जय श्री कृष्ण भगवान। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतर्धानी माया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रम कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। त्वमेव शरणम गच्छ सर्वावेन भारत ब्राह्मण सर्वभूतानि शांतिम स्थानम प्रापस्य शाश्वतम। हे भारत, तो सब प्रकार से उस परमेश्वर के ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तो परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञान मुख्यातम गुह्याद गुह्यताम गुह्यतम मया विमुश्रित दशेषेण यथेच्छसी तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। संपूर्ण गोपनीय से भी अति गोपनीय परम रहस्य युक्त ज्ञान को तो फिर भी तू सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। मर्म नाम मद भगतो मद्यादि माम नमस्कुरु मामे वैश्वती सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर के शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदम ते नाथ पस्काय ना भगताय कदाचन ना चाश्रुशुषु भ्यसुयती। तुझे है गीता रूप रहस्य में उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्यों से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित से और ना बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संचरित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्युक्त रोमांचकारक समाज को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक
और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः सिमरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः सिमरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तहदीति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन समाध मोक्ष संन्यास योग नाम अष्टादशोध्याय। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।